आर माधवन अपनी अपकमिंग फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को लेकर खूब लाइमलाइट में बने हुए हैं। मूवी 1 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। फिल्म में बादशाह शाहरुख खान कैमियो रोल में दिखाई देंगे। माधवन ने एक इंटरव्यू में किंग खान की जमकर तारीफ की। माधवन ने कहा कि वो हमेशा से ही शाहरुख खान को पसंद करते आए हैं। वहीं उनकी पत्नी सरिता भी किंग खान की बहुत बड़ी फैन है। जब भी शाहरुख खान उनकी पत्नी सरिता से मिलते हैं, उन्हें हमेशा स्पेशल फील कराते हैं। माधवन ने कहा, आप जिन्हें पसंद करते हो थोड़ा सा उनके जैसा बन जाते हैं। मुझे लगता है कि फिल्म रहना है तेरे दिल में मेरा हकलाना शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म से जुड़ा हुआ था। मेरी पत्नी उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। जब भी हम मिले हैं, शाहरुख खान ने सरिता को बहुत स्पेशल फील कराया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने शाहरुख खान से सीखा है कैसे एक्टर बनना है, कैसे लोगों की जिंदगी आसान बनाए। माधवन ने शाहरुख खान को उदार दिल का बताया। माधवन के मुताबिक शाहरुख खान ने फिल्म रॉकेटरी के लिए उनसे कोई पैसा नहीं लिया। वो बस आए और जिस भी दिन मैंने बुलाया सेट पर आकर अपना शॉट दिया। फिल्म रॉकेटरी पूर्व साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण की जिंदगी पर बेस्ड है। ये फिल्म हिंदी, तमिल और इंग्लिश में रिलीज की जाएगी, साथ ही तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में भी डब होगी। बतौर डायरेक्टर ये माधवन की डेब्यू मूवी है और फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।